जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक की अध्यक्षता में चारू जनपुरी स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में पंचायत स्तर पर युवाओं को जोड़कर मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक के संबंध में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधानसभा प्रभारियों व सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। बैठक में इंजीनियर मिथिलेश विश्वकर्मा, जिला महासचिव एवं मीडिया प्रभारी अनिल सोनकर, अमित कन्नौजिया, स्वप्निल श्रीवास्तव, ललित निषाद, कलीम अंसारी, अखिलेश कुमार, रंजीत चौधरी, अविनाश भट्ट, सीपी राय, प्रतीक चतुर्वेदी, अतुल मिश्रा, विनोद सिंह, सतीश कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने कहा, सूची हम जिनको मतलब जो सूची है एक बार हम फिर उसको क्या नाम है फॉलोअप ले लेंगे कि क्या आप लोग का वो है और कैसे मतलब आगे चलना है और कैसे ये है न्याय पंचायत तक पहुंचेंगे। ये सारी बातें हम उन लोगों से कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या नाम है जो प्रमुख फिर प्रमुख एजेंडे पे आएंगे कि ब्लॉक अध्यक्ष का फाइनलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ नेतृत्व हो सकता है दिसंबर के पहले हफ्ते में 1-to-1 ब्लॉक अध्यक्षों से और विधानसभा अध्यक्षों से बैठक करेगा, ये उसे मिलना। और यही प्रक्रिया आगे प्रियंका गांधी जी भी फॉलो करेंगे कि वो क्योंकि हर पार्टी की बेस यूथ है, तो जब उनकी भी बैठक होगी तो यही है कि विधानसभा अध्यक्षों से मिलना और यूथ कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी उनसे मिलना, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग के पास यही है कि हम ग्राम पंचायत स्तर तक यूथ कांग्रेस के सिपाहियों को खड़ा करेंगे, हर वार्ड में यूथ कांग्रेस के सिपाहियों को खड़ा करेंगे। ये विदिन दिसंबर तक हम लोग कर लेंगे, तब हम लोग चुनाव में 22 में फाइट कर पाएंगे। यही मतलब अहम मुद्दा है। अभिजीत पाठक, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस गोरखपुर। देखिए, आज यूथ कांग्रेस की ये बैठक संगठन विस्तार और ग्राम पंचायत स्तर तक यूथ कांग्रेस के सिपाहियों को खड़ा करने के लिए, वार्ड स्तर तक यूथ कांग्रेस के सिपाहियों को खड़ा करने के लिए ऊपर से शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेशित था, निर्देशित था कि हमें इस साल के अंत तक, दिसंबर माह के अंत तक हर ग्राम पंचायत स्तर पर यूथ कांग्रेसियों की एक फौज खड़ी करनी है। 1 बूथ 20 यूथ के कार्यक्रम के तहत एक बूथ पे 20 यूथ कार्यकर्ताओं के हमारा लक्ष्य है कि हम खड़ा कर दें इस साल के दिसंबर के अंत तक, ताकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 22 के चुनाव में हम लोग अच्छी तरीके से फाइट कर सकें। यही प्रमुख एजेंडा था बैठक का कि हर ग्राम पंचायत स्तर तक, हर वार्ड स्तर तक यूथ कांग्रेस के सिपाही खड़े हो चुके हैं। ये इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था और आगे जो भी हमारा संघर्ष है, जो जनता के प्रति हमारा संघर्ष है, वो जारी रहे।